तो आत्माएं तीन प्रकार की होती हैं, एक भूतिया और एक, वो तो सुना ही होगा, भागती भूत की लंगोट सही, हाँ वो वाला भी भूत होता है, और एक भूत और भी होता है, तेरी भूतनी के, सुना ही होगा, हाँ ये भी एक भूत होता है, और एक भूत और होता है जिसका नाम है किचकंडी। और अब यार इसके बारे में तो हम और आप कोई जानते ही नहीं थे, लेकिन ये ज्ञान हमें प्राप्त हुआ भूतिया पुलिस मूवी जो है उसके ट्रेलर को देखकर, हमें पता चला कि किचकंडी नाम की एक आत्मा होती है, और इस किचकंडी नाम की आत्मा को पकड़ने के लिए दो पाखंडी, सैफ अली खान और अर्जुन कपूर निकले हैं। तो पूरा माहौल यही है और पूरा माजरा यही है इस ट्रेलर में। नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आपका हमारे इस चैनल में, और मैं हूँ आपका सखा रणजीत कुमार, और आज हम बात करेंगे पाखंडी किचकंडी, अरे यार भूतिया पुलिस जो मूवी आई है उसके ट्रेलर के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन प्लीज अपना प्यार दुलार बनाए रखिए, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हौसला मिलता है यार वीडियो बनाने का। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं किचकंडी आत्मा से। डर लगा भाई, हमने भी ट्रेलर देखा तो डर नहीं लगा। अब पता नहीं डायरेक्टर जो इसके हैं, इनका नाम है पवन कृपलानी साहब, और इन्होंने कॉमेडी हॉरर बनाया है, तो हंसी तो आई नहीं और डरा भी नहीं, लेकिन डरने की कोशिश कर सकते हैं। डरिए डरिए, और ऐसा आप डरने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको डर लगे और हंसी बिल्कुल भी नहीं आएगी, और हंसी के साथ गुस्सा आएगा। तो यार कॉमेडी और हॉरर के अलावा अगर आपको गुस्सा है, यानी दो चीज़ के बदले एक चीज़ फ्री मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, फ्री में जो मिले यार ले लो। खैर, जब ट्रेलर में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सैफ अली खान और हमारे अर्जुन कपूर जो हैं तांत्रिक हैं, लेकिन इन्हें देख के लगता नहीं है तांत्रिक ही हैं, लेकिन पता नहीं क्या है नहीं, ये फिल्म देखकर पता चलेगा। लेकिन जो कॉमेडी की टाइमिंग होती है उसमें सैफू मियाँ फिल नज़र आते हैं, और अर्जुन कपूर को तो यार हम झेल ही रहे हैं, इस फिल्म में भी झेल लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। और इस पूरे ट्रेलर को देख कर लगता है कि इन्हें आत्मा की तलाश है, और इन्हें पता चलता है कि किचकंडी नाम की जो आत्मा है वो बहुत घातक है, और उसका डर ट्रेलर पर देखने को मिलता है। और जैसे ही वो आत्मा आती है और वो वाह वाला जो सीन होता है भाई साहब, उसे देखकर डर नहीं लगता, और बहुत सारे डायलॉग्स हैं जिन्हें सुनकर हंसी भी नहीं आती। तो इन सब के बीच पता चलता है कि आत्मा का फेवरेट जगह है जो बिछावन के नीचे है। ये डायलॉग भी आप सुनेंगे तो आपको भी कुछ खास नहीं लगेगा, और वो आपने सुना होगा गो कोरोना गो गो गो, जब कोरोना भैया आए थे तो उस गाने पर इसमें है गो किचकंडी गो 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 किचकंडी, लेकिन किचकंडी जाती है या नहीं जाती है फिल्म देख के पता चलेगा। और इस ट्रेलर में तड़का लगा रही हैं ग्लैमर की यामी गौतम और जैकलिन फर्नांडिस, और इन्हें जो काम दिया गया है वो बखूबी करती नज़र आ रही हैं। मुझे तो लगता है हीरो से ज़्यादा हीरोइन ही अच्छा कर रही हैं। और इन सब के बीच पता चलता है कि किचकंडी आत्मा को एक विधि से भगाया जा सकता है, और वो विधि है नग्न शास्त्र विधि। क्यों लौंडे मन में लड्डू फूटा है, यानी सब नंगे होंगे। अब भाई ट्रेलर में तो ये दिखाया नहीं गया, लेकिन मूवी में क्या होगा ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। 17 सितंबर को डिज्नी हॉटस्टार पर ये मूवी रिलीज होगी, और वहां पता चलेगा कि नग्न शास्त्र विधि से किचकंडी भूतिया को कैसे पछाड़ते हैं दो पाखंडी सैफ अली खान और अर्जुन कपूर, ये वो देख के पता चलेगा। और जैसे कि हमने बताया कि पवन कृपलानी साहब इसके निर्देशक हैं, 10 साल के करियर में 3 हॉरर फिल्म बना चुके हैं, तो रेशियो तो अच्छा है। इसके डायरेक्टर हैं रमेश तौरानी, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, ये टिप्स के मालिक है, टिप्स म्यूजिक याद कीजिए, एक समय में तूती बोलती थी इस म्यूजिक के उसके मालिक हैं, और कई फिल्मों का निर्देशन भी इन्होंने किया है, तो इंडस्ट्री में बहुत वर्चस्व है इनका। अब इन्होंने जब पैसा लगाया है तो कुछ खास ही लगाया होगा, कुछ सोच के लगाया होगा, और कहा जाता है कि लॉकडाउन से पहले जो इनकी शूटिंग हुई उसमें इन्होंने फिर दोबारा शूटिंग किया, तो पहले के जितने भी एक्टर्स थे सबको हटा दिया सैफ अली खान को छोड़ के, फिर नए कैरेक्टर्स लाए गए। तो देखते हैं ये फिल्म क्या करती है। आज के लिए इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ, प्यार दुलार बनाए रखिए, और गो किचकंडी गो बाय, स्वागत आप सबका एक बार फिर से, और ख्याल रखिए अपना, नमस्कार।